आप लोग को मैं नजर आ रहा हूँ? जनाब मैं नजर आ रहा हूँ आप लोग को? एक्सीलेंट। अच्छा जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, अगर अगर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वो प्रॉब्लम वो मुझे बता दीजिएगा, जैसे भी प्रॉब्लम हो ना तो फिर अकॉर्डिंगली मैं उसको हटा दूंगा। अली साहब सबको क्लियर आ रही है आवाज़? आप जरा कुछ चेक करें, आपको क्लियर पता नहीं क्यों नहीं आ रही। अच्छा यहाँ पर एक जवेरी ने कहा है कि लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स डिसाइडेड बाय अ पर्टिकुलर स्टेट मेंट फॉर पर्पस ऑफ कीपिंग एंड सिक्योरिटी ऑफ, बिस्मिल्लाह, लॉ इज अ रूल इन्फोर्स बाय द पीपल। ठीक है भाई, और अब आना शुरू है ना जवाब? एक्सीलेंट। अच्छा चलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। पुराना एक पुराना पुराने ज़माने में होता ये था कि जो पुराना ज़माना होता था तो वहाँ पर जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई सिस्टम तो होता नहीं था। ठीक है, एक पुराना ज़माना होता था, कदीम ज़माना होता था, वहाँ पर आबादी भी उस वक्त बड़ी कम हुआ करती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ मुंजे दौड़ों की है, उससे भी पहले की, बहुत पुराने ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, अगर समझ में नहीं आ रही है तो मुझे फ़ौरन बताइएगा। एक्चुअली यहाँ पर मेरे पास वो सिस्टम नहीं है कि मैं कुछ ड्रॉ करके आपको दिखा सकूँ, वरना मैं वो करके दिखाता हूँ। हाँ तो अच्छा प्लीज़ अगर मेरी आवाज़ आ रही है नीचे यस लिख दें। एक्सेलेंट। अच्छा सुनिएगा, तो पुराना ज़माना था, बहुत सारे जो है उस एक पर्टिकुलर एक गांव था, उस गांव के अंदर जो है ना बहुत कम लोग रहा करते थे। लेट सपोज उस गांव का नाम था ए। क्या नाम था? ए। ए के अंदर बहुत कम आबादी थी, वहाँ पर बहुत कम लोग रहा करते थे, लेकिन सारे के सारे लोग वहाँ पर बहुत ख़राब थे। ठीक है, कोई लोग वहाँ पर ड्रिंक किया करते थे, कोई वहाँ पर चर्च पे जा करते थे, कोई वहाँ पर जो है डकैती और चोरियों में लगे रहते थे, कोई वहाँ पर मारपीट करता था, कोई ज़मीन पे कब्जा किया करता था। मेरी बातों का ख्याल रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई मारपीट करता था, कोई वहाँ पर शोर शराबा किया करता था, और ये सारे के सारे जो है ना लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे की ज़मीनों पर कब्जा करना, ये सारी हरकतें किया करते थे। लेकिन वहाँ पर चंद लोग ऐसे भी थे जो जब ये चीज़ें देखा करते थे तो वो बड़ा परेशान होते थे। वो कहते थे कि किसी तरीके से इन लोगों को हमें रोकना चाहिए है। ठीक है, तो उस वक्त एक पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप बना, ज़रा समझिएगा, उस वक्त एक पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप बना, 5 से 6 लोगों का। अब जहाँ पर वो कोई गलत हरकत होती उसको चेक करते तो उधर जाते, उधर जाके वो लोग कहते भाई गलत हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वरना ये अच्छा नहीं होगा। तो शुरू में जब उस ग्रुप ने लोगों को गलत काम करने से रोकना शुरू किया तो लोगों ने उन ग्रुप वालों को पंचायती कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? पंचायती। ये द वर्ड पंचायत यहीं से ड्राइव किया गया, ये मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर उनको वहाँ पर पंचायती कहना शुरू कर दिया। अच्छा अब वो वहाँ पर बेचारे जाते, वो लोगों को रोकते, लोग उनकी बात नहीं सुनते, वो कोशिश करते फिर बात नहीं सुनते। आवाज़ आ रही है यार या नहीं आ रही है भाई? अब आ रही है आवाज़? यार भाईजान ये तुम्हें जो आवाज़ नहीं आ रही है ना, ठीक है, या तो तुम वॉल्यूम बढ़ाओ कुछ बढ़ाओ, सबको आ रही है, तुम्हें ही नहीं आ रही है यार। अच्छा अब आगे सुनिएगा। ठीक है, तो हुआ ये कि वहाँ पर फिर उन लोगों ने उनको मना करना शुरू किया, कहने लगे भाई ऐसा काम नहीं करो, ये गलत हो रहा है, क्या कर रहे हो। ठीक है, लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। जब इंसान बात नहीं सुनता है तो अगर बेटा अम्मा की बात नहीं सुन रहा तो अम्मा क्या करती हैं? चप्पल उड़ा के उसके मुंह पे मारती हैं, यही होता है ना, या उसको डांटती हैं, कहती हैं भाई हम तेरी पिटाई लगा देंगे अगर तू बात नहीं सुनेगा। तो आखिर में क्या होता है, माएँ मारना शुरू कर देती हैं बच्चों को। इसी तरीके से उन लोगों ने कहा कि अगर ये लोग बात नहीं सुनेंगे, ठीक है, तो हम डंडा लेंगे और इनकी पिटाई लगाएंगे अगर कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा तो। सही है, तो इन 6-7 लोगों का तो काम नहीं था ये काम करना। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक और अपनी टीम बनाई और उस टीम से बोला 7-8 लोगों की कि हम एक काम करेंगे, हम जहां पर भी गलत होते देखेंगे हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम लोगों से कहेंगे कि इनको रोको और तुम लोग जाके इनकी पिटाई लगाना। सही है, तो फिर वहां से कंसेप्ट आया एक पुलिस का। किसका आया? पुलिस का, फोर्सेस का, जिनका काम क्या था, जहां पर बुराई देखते थे उस बुराई को जाके रोका करते थे। बात क्लियर हो रही है? तो सबसे पहले पंचायत थी। पंचायत का काम क्या था? पंचायत का काम यह था कि जहां पर भी कोई गलत चीज हो रही होती उसको पॉइंट आउट करते, और पॉइंट आउट किसको करते थे? पॉइंट आउट जाते जाते थे और करते थे पुलिस को। जो उन्होंने एक और जो ग्रुप बनाया था वो ग्रुप क्या करता था, वो जाके इन गलत कामों को रोका करता था। ठीक है, अब हुआ क्या, अब
अब हुआ ये कि पुलिस वाले या वो जो 8-10 का ग्रुप था, जब उन्होंने इनको रोकना शुरू किया तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से गलत काम है, क्या गलत काम है, कैसे हम डिफाइन करें गलत काम को, और गलत काम जो है उसको हम कितनी इस पे सजा दें, डंडे मारें, लाते मारें, या इनको उठा के हम कहीं पर बंद करें, हम क्या करें। वो लोग इस पे क्लियर नहीं थे, तो ये सारे के सारे लोग एक साथ बैठे और इन्होंने कहा एक काम करते हैं, चर्स बेचने वाले पे एक कानून बनाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से घर बेचने वाले पे एक कानून बनाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई जमीन पे कब्जा कर रहा है तो हम एक कानून बनाते हैं, इसी तरीके से अगर कोई ड्रग्स वगैरह की सेल कर रहा है, शराब बेच रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, सबके लिए उन्होंने कहा हम एक लिख के नोट बनाएंगे कि भाई ये काम नहीं करो, अगर ये काम करोगे तो हम तुम्हारी पिटाई लगाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या किया उन लोगों ने लोगों को समझाया, जब लोग समझे नहीं तो उन लोगों ने लिखना शुरू किया, जब उन लोगों ने लिखना शुरू किया तो वो बन गए कोड्स। क्या बन गए? कोड्स। फिर उन कोड को उन लोगों ने लोगों के ऊपर लागू करना शुरू किया, ठीक है, उन कोड ने जब वो कोड को कलेक्शन होते गई तो वो अपने आप एक लॉ की शक्ल ले गया। तो इन अदर वर्ड उस जमाने से जो लॉ प्रिवेल होना शुरू हुआ वो आज तक चलता आ रहा है, ठीक है। लॉ सिंपली क्या होता है, लॉ क्या होता है, लॉज आर बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या होते हैं ये? रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ क्या है आपका? रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई भी आप रूल बनाएंगे, कोई भी आप रेगुलेशन बनाएंगे, वो क्या कहलाता है? रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर फ्रेम्ड, जो कि फ्रेम किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपकी बनाती है। अब गवर्नमेंट कैसे बनाती है इसके बारे में बाद में बात करूंगा। मैंने पहले क्या कहा है? लॉज आर रूल्स एंड रेगुलेशन। भाई चर्स नहीं बेचनी, भाई शराब नहीं बेचनी, भाई अपना आपने जो है जमीन पे कब्जे नहीं करने, ठीक है, भाई आपने चोरी नहीं करनी, ठीक है, भाई आपने सिग्नल नहीं तोड़ने, ठीक है, आपने इस टाइम पे जो है ये काम करना है, ठीक है, ये आपने अपना टैक्स इतना देना है। ये सारे क्या है? ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि लोगों ने बनाए, ठीक है। अब लोगों ने बनाए किसके लिए बनाए? आम लोगों के लिए बनाए। अब वो लोग कौन थे जिन्होंने ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे? वो थी पंचायत, दैट इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ताकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन किस पे लगा सके? वो लोगों के ऊपर लगा सकते हैं, और लोग अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो साथ में 8-10 लोगों की वहां टीम बनाई हुई थी। उस टीम का काम क्या था कि वो डंडे लेती थी और इनकी पिटाई लगाती थी। इसका मतलब है उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन भी हुई। मेरी बात समझ रहे हैं? तो लॉस, लॉ क्या है? दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, डेट आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, एंड इन केस इफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट बींग फॉलोड, अगर इसको हम फॉलो नहीं करेंगे वी विल बी पेनलाइज, हमें पेनलाइज किया जाएगा। तो मैंने चार चीजें आई डेफिनेशन के अंदर। पहला क्या क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। दूसरी मैंने बात क्या कही है? रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा दैट आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तीसरी मैंने बात क्या की है? जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसको 100% फॉलो करना है, और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? आपको पेनलाइज किया जाएगा और गवर्नमेंट आपको पेनलाइज करेगी। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हुई डेफिनेशन या नहीं क्लियर हुई बताओ? तो बेसिकली दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेटल्ड बाय द पब्लिक, नो नॉट बाय द पब्लिक, बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक की होती है, गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक की होती है। मैं बताऊंगा कि कानून कैसे बनता है। तो अभी सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है, अगर आपसे पूछे कि लॉ क्या है, कहना मेरे मेरे घर में भी लॉ चल रहा है ना, आपके घर में भी तो लॉ चलता है। होता क्या है, अम्मी कहती है बेटा मेरा रूल ये है कि रात के 8 बजे तू सोएगा, है ना भाई? कौन है घर की गवर्नमेंट? कौन है? अम्मा है। क्या कह रही है? बेटा रात को 8 बजे सोएगा। कानून क्या है? रात को 8 बजे तू कमरे में जाके अपने लेट जाएगा, घर से बाहर निकले। दिस इज द लॉ। बनाया किसने? अम्मा ने। वो अम्मा कौन है? गवर्नमेंट। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? अब्बा। अब्बा या कहते हैं तू घर से बाहर निकल के देखा मैं तेरी पिटाई लगाऊंगा, ठीक है। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? अब्बा। मेरी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। और अगर तुमने इसकी खिलाफ वर्जी करी, तुम भाग घर के बाहर चले गए, तो दो हाल होंगे, या तो तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे या तुम्हारी पिटाई लगाएंगे। यही है ना भाई? तो उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसिस हैं। तो चार पॉइंट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट टू बी इंप्लीमेंटेड, ठीक है, और आखिरी पेनलाइज्ड अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ूं? देखो कोई भी सवाल हो पूछ लेना। अच्छा अब बात रहेगी। अच्छा अब हुआ ये कि वो एक छोटे से, मैंने कहा था एक छोटे से गांव के अंदर से स्टार्ट हुआ, ठीक
ठीक है। फिर उस छोटे से गांव के अंदर उन्होंने देखा कि जब ये यार ये सिस्टम तो बड़ा अच्छा चल रहा है, तो वहां से दूसरे ने अपनाया, दूसरे ने, तीसरे ने बनाया, तीसरे ने, चौथे ने, फिर पूरी दुनिया में ये कानून इस तरीके से हल्के हल्के करके फैल गया। मैंने बहुत लूज करके समझाया, बेसिकली एंग्लो सैक्सन का कंसेप्ट है वो, मैं आपको समझाना, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन बस इतना आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन प्रिवेल करी है। आगे बढ़े भाई। अच्छा, अब राइट नाउ यार देखो, मैं बड़े मुतमईन तरीके से बैठना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसे मैंने पढ़ाया है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सामने से पढ़ाते हैं, पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है। अच्छा आगे सुनिएगा, अब बात रहेगी बेटा आज के टॉपिक की। अच्छा मेरे बारे में अगर कोई आप लोग में से मेजोरिटी ऑफ यू वोंट बी अवेयर ऑफ मी, जानते हैं मुझे मैं कौन हूँ? अच्छा मैं बताता हूँ, देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेड बाई द गवर्नमेंट, ठीक है, दैट हैज टू बी फॉलो, और आखिरी चीज अगर नहीं फॉलो करेंगे तो यू विल बी पेनलाइज। अच्छा आप नहीं जानते। खैर भाई जनाब, मेरा नाम उदय गौरी है एंड आई एम फैकल्टी मेंबर ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी। मैं 2012 से इकरा यूनिवर्सिटी का फैकल्टी मेंबर हूँ। आई एम टीचिंग इंक्लूशन एंड नाजमाबाद और इधर हुई कैंपसिस में काफ़ी अर्से से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम लीगल फ्रेटर्निटी, मेरा लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक है। और जब मैं 2012 से लेकर 2015 तक जो है ना, मैं जब आई वॉज बेसिकली प्रैक्टिसिंग लॉयर एट दैट टाइम, प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट केसेस वगैरह देखना, ये देखना, ट्रिब्यूनल के केसेस देखना, ठीक है, स्पेशल कोर्ट के केसेस देखना, तो मैं उस केसेस वगैरह भी देख रहा था। अच्छा ये अच्छा मुझसे कोई ITB पढ़ा हुआ भी स्टूडेंट बैठा हुआ है। अच्छा खैर, तो उस वक्त जो है मैं केसेस वगैरह देखा करता था। और उसके बाद जो है 2016 से जो है मैंने फिर ये लाइन मैंने स्किप कर दी थी 2016 के बाद जो है ना टीचिंग की, क्योंकि कुछ परमिशन वगैरह के चक्कर होता है उस चक्कर में ना। फिर उसके बाद जो है मैं अभी दोबारा से 2019 से वापस से जो है ना एज विजिटिंग फैकल्टी मेम्बर जो है ना वापस आया हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे साथ बहुत मज़ा आएगा। आई नो आई कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज अ गैप, ये जो हम PC पे कर रहे हैं उतना मज़ा नहीं आएगा जितना हम आमने सामने अगर बैठ के कर रहे होते, उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये अच्छा सवाल किया सर, इम्प्लीमेंटेड बाय द पीपल होगा ना, फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, ये इम्प्लीमेंटेड बाय होम आई टेल यू लेटर। इम्प्लीमेंटेड मैंने कहा था कि 8-10 लोग बनाए हुए हैं, 8-10 लोग उस पर्टिकुलर गांव के अंदर 8-10 आवाम ऐसी है जो कि डंडे और चीज़ें लेके जो है ना इम्प्लीमेंट करवाती है, आपको याद होगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट कौन करवाता है कानून को, इसकी मैं बाद में बात करूंगा, बस इम्प्लीमेंटेड अब ये कह लें, अब ये इम्प्लीमेंटेड बाय द पीपल अभी समझें, लूजली स्पीकिंग समझें आप, मैं अभी थोड़ी देर में आपको सब समझ में आएगा। अच्छा और कुछ पूछना है भाई, शुरू करें आगे बढ़ूं? बड़े आगे भाई। अच्छा अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। अच्छा अभी जो है करंटली मैं क्या काम करता हूँ, करंटली ऑल्सो आई एम इन फील्ड ऑफ लॉ, मैं लॉ के ही फील्ड में हूँ, क्या हूँ उससे आपको कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, बस लॉ के फील्ड में, ठीक है। अब सुनिएगा, जो हमारा आज का टॉपिक है, आपके सामने स्लाइड आ रही होगी, आप लोग को स्लाइड नजर आ रही है नहीं? यार शरियार साहब आप कुछ चेक करें अपनी, आपको क्यों नहीं आ रही है मेरी आवाज़? महाम बोलें, महाम क्या कहना चाहती हैं आप?
हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोग को? जी आ रही है आवाज़? एक्सेलेंट। सॉरी यार, मैं ज़रा डीसी हो जाता हूँ। जी। अच्छा हाँ, तो हमारे जो आज का टॉपिक है ना, वो बेसिकली आप लोग को मेरी आवाज कम क्यों आ रही है यार? अब आ रही है? अब आ रही है मेरी आवाज? अच्छा, कम आ रही है या आवाज आ रही है? यार अब आ रही है? नहीं आ रही है? भाई असद, तू अपने स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा ले यार। चलें बिस्मिल्लाह खान। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों को ये टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, इट्स बेसिकली ये लीगल सिस्टम। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज अ सिस्टम? यस, एनी आइडिया? निजाम। अच्छा, सिस्टम एक ऐसा तरीका होता है, ये कह रहे हैं कि इन विच थिंग्स आर डन इन ऑर्गेनाइज। अच्छा, और जरा मेरी बात सुनिएगा बेटा, जब मैं बात करता हूँ ना सिस्टम की, सिस्टम का मतलब तीन चीज़ें होती हैं। पहले मैंने क्या बताया, लॉ का मतलब चार चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। मैंने चार चीज़ें बताई हैं लॉ के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड, एंड देन अगर नॉट फॉलो करोगे यू विल बी पेनलाइज फॉर दैट एक्ट। ठीक है भैया। अच्छा, अब बात करेंगे हम सिस्टम की। सिस्टम का मतलब होता है कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। देयर हैज टू बी सम इनपुट, देयर हैज टू बी सम प्रोसेसिंग, एंड देयर हैज टू बी सम आउटपुट। अब सवाल ये पैदा होता है कि लीगल सिस्टम से इन, ये लीगल सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या है, या सिस्टम का लीगल से रिलेशनशिप क्या है? इसका मतलब ये है कि कानून के अंदर भी देयर हैज टू बी सम इनपुट, देयर हैज टू बी सम प्रोसेसिंग, एंड देयर हैज टू बी सम आउटपुट, है ना भाई? जब दोनों अल्फाज आपस में रिलेटेड हैं तो कोई ना कोई तो रिलेशनशिप होना चाहिए, है ना? है ना? तो अब इसका जो रिलेशनशिप है वो आने वाली जो स्लाइड है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर होगा। मैं हल्के हल्के करके बताऊंगा, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। अब एक अहम चीज आपको बता रहा हूं, आपका जो पूरा मुल्क होता है, मैं स्टेट नहीं कह रहा, ख्याल रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ए कंट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई स्टेट। स्टेट अलग चीज है, कंट्री अलग चीज है। सही है? फर्क पता है या नहीं पता है? जी भाई, अगर मैसेज कर देंगे पता तो नहीं पता, मैं मैसेज बॉक्स खुला हुआ है, नहीं पता। अब सुनिएगा, स्टेट के अंदर गवर्नमेंट आती है, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है, और स्टेट के अंदर तीसरी चीज आती है, वो तमाम की तमाम बॉडीज जो आपकी टैक्स कलेक्ट करती हैं। स्टेट के अंदर तीन चीजें आती हैं, आपकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और आपकी वो तमाम के तमाम इदारे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। और मुल्क में आपके इससे ज्यादा चीजें आती हैं, तो मुल्क के अंदर स्टेट होता है। मेरी बात क्लियर हो रही है? मुल्क के अंदर स्टेट होता है। अच्छा, आपका जो कोई भी मुल्क हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसके तीन पिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये अपना मोबाइल फोन खड़ा करना है, इसके नीचे मैं एक उंगली लगाऊंगा, दिस इज अ पिलर, राइट? दिस इज अ पिलर। हाँ बिल्कुल सही है, जरूर सही कह रहे हैं आप, दिस इज अ पिलर, राइट? ये इस मोबाइल फोन पे ये खड़ा है, ये पिलर है। इस तरीके से अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये डालमडोल होगा। अगर मैं इसके नीचे तीन पिलर लगा दूं तो ये मोबाइल फोन को मैं समहाउ बैलेंस कर सकता हूं, ठीक है? तो दुनिया का हर मुल्क तीन पिलर के ऊपर खड़ा होता है। अगर ये तीन पिलर ना हो तो वो मुल्क आपका खत्म हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तीन पिलर क्या होते हैं? आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पहला और बुनियादी प्लेयर होता,
पिलर होता है पार्लियामेंट, दूसरा होता है जुडिशरी और तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव। पहला कौन सा होता है? पार्लियामेंट, दूसरा होता है जुडिशरी और तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव। अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। कानून कौन बनाता है? आपके लॉस कौन बनाता है? एस्टैब्लिशमेंट, पार्लियामेंटेरियन, गवर्नमेंट और डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स, लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट। अच्छा सुनिएगा, आपके मुल्क का जो कानून बनाता है वो है आपकी पार्लियामेंट। कौन है वो? पार्लियामेंट। तो इसका मतलब है वो जो 8 पंचायती थे, जो 8 पंचायती थे जो कानून बना रहे थे, वो कौन थे? पार्लियामेंट। आपके मुल्क में कानून को जो लागू करता है वो होता है एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है जो 7-8 लोग थे जो डंडे लेके घूम रहे थे वो कौन थे? एग्जीक्यूटिव। तो मैंने मिसाल वो दी थी गांव की, उस गांव के अंदर 8-7 लोग थे जो पंचायती थे, जो लोग जिन्होंने कोड बनाए थे वो कौन थे? पार्लियामेंट। उसके अलावा उन्होंने 7-8 लोग और रखे थे जिनका काम था डंडे लेके उसको इंप्लीमेंट करवाना, वो कौन थे? एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लॉ इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जज लॉ नहीं बनाता है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। बात क्लियर हो रही है? और अब बीच में रही जुडिशरी। जुडिशरी में सबसे ईमानदार और बेहतरीन लोग बैठे होते हैं, और जुडिशरी का काम होता है इस कानून की इंटरप्रिटेशन करना। क्या करना? इस कानून की इंटरप्रिटेशन करना। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। पहली चीज बताई है मैंने पार्लियामेंट, दूसरी बताई है जुडिशरी, तीसरी बताई है मैंने एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द लॉ, जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ, यस जुडिशरी आर कोर्ट्स, एग्जैक्टली। जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कानून की इंटरप्रिटेशन करते हैं। किस तरह करते हैं थोड़ी देर में भी बताऊंगा। पर एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, और ये किस तरह करते हैं ये भी मैं थोड़ी देर बताऊंगा। ये डंडे की बुनियाद के ऊपर या पकड़ के लोगों को लेके आते हैं, डबल सवारी वगैरह में बंद होते रहते होंगे यार, तो रोका दिया तुम लोग यार, मैंने तो देखा बहुत से लोग वो पुलिस वाले बंद कर रहे होते हैं ना, वो कानून की इंप्लीमेंटेशन करवा रहे होते हैं, और वो भी 188 में बंद करते हैं जो कि लागू नहीं होता है, उसकी भी अलग कहानी है। वैसे अगर किसी को कोई प्रैक्टिकल इश्यूज हो रहे हो ना कभी भी, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच अभी देने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग हूँ, तो मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दूंगा। पूरा हम जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना वो प्रैक्टिकल सिनेरियोस को पढ़ेंगे, ठीक है? और आपका पेपर भी प्रैक्टिकल ही आएगा, इसके ख्याल रखें। आगे बढ़े भाई। तो इसका मतलब है अगर आपको कोई मुल्क चलाना है, अगर वो गांव चलाना था आपको, अगर वो गांव चलाना था, ठीक है, तो उसके लिए 3 चीजें जरूरी थी, ठीक है। वो 3 चीजें फिर आपको मुल्क चलाने के लिए भी जरूरी है। वो 3 चीजें क्या हैं? पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। आगे बढ़ जाऊं भाई। एक्सलेंट, आगे सुनिए। अच्छा, अब पार्लियामेंट 2 किस्म की होती है, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। पार्लियामेंट एक फेडरल लेवल पे होती है, पाकिस्तान पार्लियामेंट, और एक प्रोविंसेस लेवल पे भी होती है। तो पार्लियामेंट आपके 2 लेवल पे आ रही है, एक पाकिस्तान लेवल पे आ रही है, एक प्रोविंशियल लेवल पे आ रही है। जो पाकिस्तान लेवल पे आ रही है, आपने सुना होगा एमएनए के इलेक्शन होते हैं। आपका जो गुलशन से लड़का खड़ा हुआ था, और आपका डिफेंस से भी कोई, एमएनए तो समझते हो ना, मेंबर नेशनल असेंबली, वो नेशनल लेवल पे वो पाकिस्तान पार्लियामेंट लाती है मजलिस शूरा और मजलिस से। अच्छा, और दूसरी कौन सी होती है? प्रोविंशियल लेवल पे होती है, जैसे आपके एमपीएस हैं, ये हैं वो हैं, ये तमाम के तमाम मिलकर कानून बनाते हैं। प्रोविंसेस की जो पार्लियामेंट होती है वो प्रोविंसेस के बारे में सोच रही होती है, और जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट है जो एमएनए वगैरह जो आप जिसमें नॉमिनेट होते हैं, जिसका आपको प्राइम मिनिस्टर भी आपका पाकिस्तान पार्लियामेंट से सिलेक्ट होता है, जो इमरान खान जो है ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, जो वहां से सिलेक्ट किया गया है, ये पाकिस्तान पार्लियामेंट है। अच्छा, ये मैं अभी थोड़ी देर में इसका पूरा मैं इसको आपको सामने खोल के भी रखूंगा कि ये पाकिस्तान पार्लियामेंट क्या है और प्रोविंशियल पार्लियामेंट क्या है, ये थोड़ी देर में मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही? अच्छा, कोई सवाल करना है किसी को? सवाल करना है कोई किसी को? वो भाई क्या भाग गए क्या?
मैं बता रहा हूँ, मैं सवाल करूंगा आखिर में। ध्यान दिया। अभी मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आपकी जो पार्लियामेंट होती है वो दो लेवल पे होती है, एक होती है पाकिस्तान लेवल पे और एक होती है प्रोविंसेस लेवल के ऊपर, ठीक है। जो पाकिस्तान लेवल के ऊपर होती है वो क्या होती है, थोड़ी देर में बताऊंगा। जो प्रोविंसेस लेवल पे होती है वो क्या होती है, वो नीचे आ रहा है बेसिकली। चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, सुने। अच्छा अब जरा गौर से देखिए, आर्ट्स नहीं है, ये हाउसेस हैं। एक मिनट, सही है भाई, अजान हो रही है क्या? जरा वेट करते हैं, बात जरा और से सुनिएगा। जब तक अभी और लोग आ रहे हैं, मैं आपको जल्दी से एक एक क्विक इसका रिव्यू दे देता हूँ। जरा मैंने आप लोग क्या बताया था, मैंने कहा था ये कानून क्या है, कानून एक ऐसी चीज है, मैंने कहा कि वो, एक मिनट, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि कानून क्या होती है। कानून का मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, आर आर, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि आपकी गवर्नमेंट बनाएगी और उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी, और इम्प्लीमेंट जो नहीं करेगा उसके ऊपर सेंक्शन लगाएगी, पेनल्टीज लगाएगी। तो कानून के डेफिनेशन के अंदर चार चीजें आती हैं, दैट इज योर रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और इन केस इफ यू डू नॉट फॉलो इट और यू विल बी पेनलाइज एंड दैट आर ऑल्सो फॉलो बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपके मैंने बताया था कि ये गवर्नमेंट, ये लॉ के डेफिनेशन है। फिर मैंने बात की थी कि पाकिस्तान के लीगल सिस्टम पे मैं अभी स्टार्ट हुआ था, वो मैंने एंग्लो सैक्सन की बात की थी, लेकिन मैंने कहा था दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स, तो मैं उसके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। फिर मैंने तीन पिलर्स के बारे में बात की थी। तीन पिलर्स तो मैंने आप लोगों को बताया कि पार्लियामेंट क्या होती है, जुडिशरी क्या होती है, और आपकी एग्जीक्यूटिव क्या होती है। पार्लियामेंट के मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन ये दिया था कि पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। आपके मुल्क का अगर कोई भी कानून बन रहा होगा उसको पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। आपके मुल्क में कोई भी कानून की इंटरप्रिटेशन अगर हो रही होगी तो वो जुडिशरी करेगी, और आपके मुल्क में जो कानून को लागू कर रहा होगा वो आपकी एग्जीक्यूटिव होगी। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब इसके आगे मैं चला था थोड़ा सा, ठीक है। और सेकंड स्लाइड के अंदर जो है ना, फिर मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट जो होती है वो आपकी दो लेवल पे होती है, एक पाकिस्तान लेवल पे होती है, एक प्रोविंस लेवल पे होती है। और अभी मैं तीसरी स्लाइड पे आया हूँ कि पार्लियामेंट एक्चुअली पाकिस्तान लेवल पे है क्या, और हम कोर्ट में पाकिस्तान लेवल की ही पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे, हम प्रोविंशियल लेवल के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? आगे बढ़ूं,
देखो बेटा, जुडिशरी का जो है ना, पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो कि मैं अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। जुडिशरी करती क्या है, जुडिशरी कानून की इंटरप्रिटेशन करती है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, ज़रा गौर से मेरी बात समझो, ठीक है। हाँ, नो डाउट उसे ड्राई कोर्स तब तक सब नहीं आते। हाँ, ये बात कर ली। अच्छा सुनो, आई नो इट्स अ ड्राई कोर्स, लेकिन मतलब ये है कि मैं देखो, मैं अगर सामने होता हूँ ना, मैं मोहब्बत इतनी पैदा कर देता हूँ इस सब्जेक्ट से कि आप लोग को ये सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाएगी। एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑप्टेड टू लॉ, इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट ने लॉ भी किया था। और इफ यू वॉन्ट टू मेक एनी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप, यू आर मोस्ट वेलकम टू मेक एनी व्हाट्सएप ग्रुप इफ यू वॉन्ट टू। आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स को ऐड कर लें, और अगर आप लोग को कुछ मुश्किल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर जो है मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्लीज़। हाँ, अगर आप लोगों को कोई वैसे कोई जेनियस रीज़न है, आप लोगों को कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, तो आप मुझसे जो है ना कोई चीज़ अगर चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, और इस पर पूछ लें आप लोग, इस पे पूछ लें। आई अवॉइड गिविंग माई नंबर। अच्छा, मेरा नंबर तो नहीं आ रहा हुआ इसमें। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो बना लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप लोग समझते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए, गो फॉर इट, बना लें आप। लेकिन अवॉइड एडिंग मी इन दैट, डू नॉट ऐड मी। ये माइट बी पॉसिबल दैट एनी वन ऑफ यू माइट हैव माई नंबर, बट डू नॉट ऐड मी डियर प्लीज। इन केस अगर आप लोग को कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, आप लोग यू आर फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन एनी टाइम यू वॉन्ट, या आप मुझे ईमेल भी डाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको ईमेल पे भी समझाता हूँ, कोई मसला नहीं। और ये जो दूसरे जो मैं बात करें इसके बारे में, मैं बात करता हूँ अभी मैनेजमेंट वालों से कि इसके ऊपर क्या कुछ। यार मैं बेसिकली ये बताओ, टीम पे आप लोग लेक्चर लेना चाहोगे? टीम पर मैं कोशिश करता हूँ, इनसे बोलता हूँ कि टीम्स पर लेक्चर दें। टीम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टीम में बेसिकली इवन ऑल ऑफ यू वुड बी ऑनलाइन, मुझे सब सब साथ नज़र आ रहे होंगे, सारा ऑन हुआ होगा। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, वो सामने अपने स्क्रीन पे क्लिक करेगा, सामने आ जाएगा, बात करेगा। मैं टीम से करता हूँ, बेसिकली आई एम ए मेंबर ऑफ लिंक्डइन ना, जो बर्तानिया का जो बैरिस्टर्स होते हैं ना, ठीक है। मैं वो भी मैंने तो उसका भी बेसिकली मेंबर अंदर हूँ, तो मुझे हम लोग को ऑनलाइन सेशन वगैरह लेना पड़ते ही है, तो उसी वजह से जो मैं आपसे पूछ रहा था। मेरा आईडी है uzair115@gmail.com। Fantastic. Yes, my email address you can send me. If you want my number, I can give you my number, but लेकिन मसला ये होता है कि मैं आई अवॉइड इट दिस वे। आठ बज गए हैं, शुड आई स्टार्ट द क्लास? सब आ गए हैं, एक्सेलेंट। ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को बढ़ा रहा हूँ आगे। अच्छा, अब सुने भैया, बड़े आगे।
जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। अब पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है, जब मैं बात करता हूँ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की, बेटा मैंने ऊपर ऊपर लिखा हुआ मेरा ईमेल एड्रेस, पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है, जब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के पार्लियामेंट की, आई एम सेइंग दैट कि प्रोविंशियल पार्लियामेंट लीव दैट बिहाइंड, वी आर ओनली कंसर्न विद पाकिस्तान पार्लियामेंट, राइट। आई एम सॉरी, हाँ, जो पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है, जरा और से मेरी बात समझिएगा, उसके अंदर तीन चीजें होती हैं भाई, हर चीज के अंदर मैं तीन चीजें लेके आता हूँ, आप लोग कहेंगे हर चीज के अंदर तीन चीजें लेके आया था सर, पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक होता है प्रेसिडेंट जो कहलाता है माए बाप, एक होता है नेशनल असेंबली और एक होती है सेनेट। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर तीन चीजें हैं, एक है आपका प्रेसिडेंट, एक है आपकी नेशनल असेंबली और एक है आपका सेनेट। जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, प्रेसिडेंट कौन होता है, नेशनल असेंबली कौन होती है, सेनेट कौन होती है, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन अभी समझिएगा होता क्या है। लेट सपोज एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, एक ग्रुप बनाते हैं, आर यू रेडी, कितना समझाऊं यार, कपों के जरिए, चलो सामने कल छोड़ो, जरा गौर से मेरी बात सुनो, क्या ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताओ पहले, कार है ना रिकॉर्डिंग। अच्छा जरा और से मेरी बात सुनना, अब सुनो, जब मैं बात करता हूँ बेटा पाकिस्तान पार्लियामेंट की, उसके अंदर एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है नेशनल असेंबली, एक होता है सेनेट। चलो छोड़ो यार, सब छोड़ो, हम यहीं पर ही बैठ के अभी कानून बनाते हैं, लीव डैट बिहाइंड, कानून बनून अब सब साइड में, अभी हम लोग सब बैठेंगे और मिल के एक कानून बनाएंगे, ठीक है। अब तुम लोग कितने अभी ऑनलाइन हो, तकरीबन जो है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स तकरीबन, आई कैन नॉट सी गुड अटेंडेंस, इसका मतलब है ये बच्चे जो है ना, मैं इनको बताता हूँ फिर कल, ठीक है। लेट सपोज कि दिया 20 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, 20 इधर बैठे हुए हैं और 20 इधर बैठे हुए, कितने हो गए 40 स्टूडेंट, ठीक है। अब 20 लड़कों का अलग, लड़के लड़कियों का अलग ग्रुप है, 20 लड़के लड़कियों का अलग ग्रुप है, आवाज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, क्लियर हो रही है ना यार। एक बात बताओ, मैं इसमें एक मिनट रुको, मैं इसमें बना के भी दिखाता हूँ ना आप लोग को, वो आसानी हो जाएगी। हाँ देखिए, स्लाइड आ रही है, नई स्लाइड आ रही है, स्क्रीन पे आ रही है, जनाब आ रही है नहीं आ रही है, नजर आ रहे हैं ना, हाँ, यस। लेट सपोज दिस इज ग्रुप ए, राइट, एंड दिस इज ग्रुप बी। भाई साहब थोड़ा खराब बन रहा है, उसकी माजरत चाहता हूँ, ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग गुड एट इट, ठीक है। दिस इज ग्रुप ए एंड दिस इज ग्रुप बी, ग्रुप ए के अंदर 20 बच्चा है और ग्रुप बी के अंदर 20 बच्चा है, यहाँ तक क्लियर हुई या नहीं हुई। अभी हम लोग बैठ के आपस में बैठ के कानून बना रहे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज हम एक क्लास के अंदर अभी बैठे हुए हैं, मैं क्लास के अंदर खड़ा हुआ हूँ, 20 बच्चे इधर बैठे हुए हैं, 20 बच्चे इधर बैठे हुए हैं। अब होता क्या है, लेट सपोज ये ए जो ग्रुप है, इसमें से एक बच्चा आप में से खड़ा होता है, आप ए बच्चा, ग्रुप ए में से कोई एक बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है सर मुझे आज कानून बनाना है। तो लेट सपोज शकील साहब आप ग्रुप ए के हैं, लेट सपोज शकील दानियाल साहब आप ग्रुप ए के, लेट सपोज आप क्या कानून बनाना चाहेंगे क्लासरूम के अंदर, नहीं आ रहा समझ में, चलो ठीक, लेट सपोज कोई भी ग्रुप ए का कोई भी बच्चा उठ जाओ, कोई भी अपने आप को इमेजिन करो दैट यू बिलोंग फ्रॉम ग्रुप ए, और कोई भी बच्चा क्लासरूम के लिए कानून बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो ग्रुप ए का कोई भी बच्चा बोले कि भाई सर मैं ये वाला कानून बनाना चाहता हूँ, कोई दिमाग में आ रहा है कानून, चलो मैं बनाता हूँ, ग्रुप ए की तरफ से आवाज आ रही है तुम लोग को या नहीं आ रही है मेरी,
ठीक है, वजह ने कहा कि भाई हमारा जो ब्रेक होगा, हम कानून ये बनाएंगे 7:30 से। एक एक आयशा कह रही है कि कोई मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, शकील कह रहे हैं कि क्लास में लेट नहीं है, कोई क्लास में लेट नहीं आएगा। ये सारे के सारे क्या है, ये आप लोग की राय आ रही है, ये क्या रहे हैं डिफरेंट कानून आप लोग क्लास के लिए बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये मारिया ने कहा है कि स्टूडेंट कैन ईट इन द क्लास। चलें ये वाला लेते हैं, ठीक है ये वाला हम लेते हैं। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। ये मारिया ने एक प्रपोजल दिया यहाँ पर कानून का, इस प्रपोजल मारिया एक प्रपोजल दे रही है, कह रही है कि भाई ग्रुप ए वालों को कहती है, ग्रुप ए से में से खड़े हुए कहती है कि भाई हम ये चाहते हैं, ठीक है, कि हम एक ऐसा कानून पास करें जिसमें हम क्लास के अंदर स्टूडेंट को कहें कि वो क्लास में खाना खा सकता है, पानी पी सकता है, जो चाहे कर सकता है। ये ग्रुप ए के 20 बच्चों में से एक मारिया ने खड़े होकर ये वाला अपना एक लेटर उठा के बोला कि दिस इज माई प्रपोजल दैट दिस लॉ शैल बी पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हुआ है क्या कि ग्रुप ए के बच्चे आपस में डिस्कशन में लग गए और आपस में फिर डिसाइड करेंगे बैठ के कि आया ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जरा गौर से मेरी बात सुनना। तो ग्रुप ए के बच्चों ने आपस में पूरी तय करने के बाद ये सेटल किया, हाँ चलो ठीक है, क्लास के अंदर हम खाना अलाउ करते हैं। तो ये जो प्रपोजल था मारिया का, ये ग्रुप ए में पास हो गया। यहां तक क्लियर है या नहीं है? ये चीज क्लियर हुई? वेरी गुड। इसका मतलब यह है ग्रुप ए पूरा का पूरा अग्री कर रहा है कि क्लास के अंदर खाने खाने की हम इजाजत दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस। अब बात रही ग्रुप बी की, अब आए हम ग्रुप बी के ऊपर। अब ग्रुप ए ने, क्योंकि ग्रुप बी उसके बराबर में बैठा हुआ था, ग्रुप ए ने कहा कि भाई हमने कंबाइंड होके, हम सब ने मिलकर, हम सब ने सेटल ये किया है ग्रुप ए के बच्चों ने कि क्लास में अब से खाना खाना अलाउ है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ग्रुप ए में से एक बच्ची खड़ी हुई, उसने कहा कि मैं ये वाला कानून पास करवाना चाहती हूँ। उस कानून में उसने कहा कि ये मेरा प्रपोजल है कि क्लास में खाना खाना अलाउ होना चाहिए है। 20 के 20 बच्चे या 18 बच्चे या 15 बच्चे उस पर रजामंद हुए और कहा हाँ भाई अब से क्लास में खाना खाना अलाउ है। ये प्रपोजल जो था ये ग्रुप ए से पास हो गया। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? Should I move further? Yes, excellent. ये प्रपोजल ए से पास होने के बाद ये प्रपोजल गया बी के पास, राइट? दिस इज बी, राइट? इज दैट क्लियर? राइट, बी के पास गया। अब बी का ये वाला प्रपोजल जरा सुनना। बी में बी कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 20। अब ये वाला प्रपोजल बी के अंदर शेयर हुआ, ठीक है। अब बी ने क्या करा, लेट सपोज अब बी के अंदर 20 बच्चे बैठे हुए हैं, तो शहरयार अहमद साहब आप बी के हैं, इब्तिहाज साहब आप भी बी के हैं, लेट सपोज शाहरुख साहब आप भी बी के हैं, लैला आप भी बी की हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स बी के हैं, ठीक है। अब जब ये बी के हैं तो इन सबको सामने ये वाला प्रपोजल आया। अब आप लोग की इस पे दो राय हो सकती है, या तो आप बोलोगे हाँ या तो आप बोलोगे ना, है ना भाई? यही बोलोगे ना? यही बोलोगे, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको ना करेंगे, राइट? लेकिन इसको भी इजी करते हैं, ना पे भी आएंगे हम, लेकिन इसको इजी करते हैं। लेट सपोज बी के भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने, जरा गौर से सुनना, बी के भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने इस पर्टिकुलर कानून के ऊपर हामी भर दी। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? एक जगह ए हामी भर रहा है, सही है, ए का पूरा ग्रुप ने इस कानून के ऊपर हामी भर दी। अब बी के भी इस पूरे ग्रुप ने इस कानून, पूरे नहीं, मेजॉरिटी ने इस कानून के ऊपर हामी भर दी। जैसे शाहरुख ने कहा कि आई एम नॉट अगेनिंग विद दिस, ओके ओके फाइन, यू डोंट नीड टू अग्री विद दैट, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बी ने, बी के मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने इस कानून के ऊपर अग्रीमेंट कर दिया। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब हुआ ये कि मैं बैठा हूं, आप तो सारे स्टूडेंट है ना, राइट? ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब आई ये बात मुझ पर, अब मैं यहां पर, मैं बीच में, कैन यू सी मी, राइट? Right, this is me, right? Okay, Javeria, you आप भी agree नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ majority, I'm just saying majority. अच्छा सुनिएगा, ये मैं हूँ, let's suppose, this is me, this is there, right? अच्छा, अब हुआ ये कि ये जो बिल है, इन दोनों से अप्रूव होने के बाद ये बिल किसके पास आया? मेरे पास आया, ठीक है?
मैंने ये देखा कि यार ए इस पे अग्री हो रहा है, मैंने ये देखा यार इस पे बी भी अग्री हो रहा है, तो मैंने इस बिल के ऊपर मैंने अपना साइन कर दिया, राइट, दिस इज माय लेटर, वो दिस इज माय साइन, इस पर्टिकुलर प्रपोजल के ऊपर मैंने साइन कर दिया, ये प्रपोजल लॉ बन गया। अब जरा गौर से सुनना, ये जो ए है ना भाई, ये ए जो है, ये ए है नेशनल असेंबली, ठीक है, ये जो बी है ना भाई, ये पेन, ये द पेन, भाई पेन कहां से आता है यार? नहीं मैं बताता हूं भी मैं कौन, पेन कहां से आता है, यहां पर पेन कहां से आ रहा है यार, ये रेज आ रहा है, स्पॉटलाइट आ रहा है, स्टाम्प आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है। अच्छा खैर चलो ठीक है, ये ए जो है ये ए नेशनल असेंबली है, ये जो बी जो है ये सेनेट है, मेरी बात समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि बिल कहां से उठा, एक प्रपोजल कहां से उठा, नेशनल असेंबली से उठा, और प्रपोजल नेशनल असेंबली से अप्रूव होने के बाद कहां पर गया, सेनेट में गया, तो बी क्या हो गया सेनेट, ए क्या हो गया नेशनल असेंबली, बी क्या हो गया सेनेट, और जब सेनेट ने भी उसको अप्रूव कर दिया तो फिर वो ऊपर गया, और ऊपर ये जो बंदा बैठा हुआ है ये है प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये है कि जब दोनों जगह से बिल पास हो जाएगा तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देगा तो वो आपका लॉ बन जाएगा। दिस इज द वे लॉ इज फॉर्म। कोई भी बिल होगा आपका, या तो वो नेशनल असेंबली से पास होगा या सेनेट से, जरूरी नहीं है कि नेशनल असेंबली में, अगर गौर से मेरी बात सुना, लेट सपोज अब दूसरी मिसाल देते हैं, अब बी वालों को मैं चांस देता हूं, अब आई एम गिविंग चांस टू व्हाट, टू होम, टू बी, आई एम गिविंग चांस टू बी, राइट, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, अब लेट सपोज बी के स्टूडेंट हैं और बी के स्टूडेंट ये वाली बात बोलते हैं कि भाई हमें जो है ये बी है, राइट, बी के स्टूडेंट को जैसे सेनेट, राइट, सेनेट, राइट, अब ये बी के जो स्टूडेंट हैं, मैं अभी बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ये जो सवाल है ना सर प्रेजेंट मेजोरिटी के वोट के बेसिस पे साइन करेगा, ये मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगा जब मैं इसकी डिटेल पे आऊंगा, अभी मैं सिर्फ लूज समझा रहा हूँ आपको, मैं सेनेट के बारे में पूरा बताऊंगा, मैं प्रेजेंट के बारे में बताऊंगा, मैं नेशनल असेंबली के बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में बताऊंगा, और सेनेट अलाउ ना करे तब क्या होगा ये भी बताऊंगा, जस्ट वेट, हल्के हल्के करके बढ़ेंगे, हल्के हल्के करके, राइट। अच्छा अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये आगे स्लाइडों में आपके सबके जवाब आपको मिलेंगे, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, लेट सपोज कोई भी बिल है वो सेनेट से पास होता है, सेनेट मतलब आप जो बी है, बी बी है, अब आप लोग का मैं कह रहा हूँ कि ये बी के जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कोई भी भाई कोई सवाल रेस करो, कोई कानून रेस करो, चलो कानून बताओ ना यार, बी ग्रुप वालों कोई भी कानून बता दो, भाई जान ये डबल सवारी जो होती है ना, ये 188 पीपीसी है, मेरी बात समझ रहे हो, 188 पीपीसी है, जो कि आपका 144 की वॉयलेशन पे होती है, ठीक है, 144 सीआरपीसी की वॉयलेशन पे होती है 188, और 188 जो है 195 में बार्ड है, ठीक है, जो तो आपको डबल सवारी में कोई पकड़ के पुलिस वाला एफआईआर काटता है ना, तो ही इज डूइंग एन इलीगल एक्ट, ही कैन नॉट लॉज एफआईआर अगेंस्ट यू, अगले दिन जाओगे तो जस्ट तुम्हें 63 में डिस्चार्ज कर देगा, ये एक डबल सवारी। अच्छा ये सवाल, फूड शुड नॉट बी अलाउड, नहीं एक देखो एक बिल पास वास हो गया ना, उसके कॉन्ट्रेरी बिल तो पास ना करो ना यार, उसके बिल्कुल आप कॉन्ट्रेरी बिल पास कर रहे हैं, आप ऐसा बिल पास करें जो उससे उसका ताल्लुक ना, ओके ओके, म्यूजिक इन एवरी क्लास फॉर 10 मिनट, ब्रेक ऑफ 1 आवर की होना चाहिए, ब्रेक 1 आवर की होना चाहिए, वाह। अच्छा अब लेट सपोज, चलिए मैं आपको इसमें लेट सपोज ये दोनों में से चलें, ब्रेक ऑफ 1 आवर और म्यूजिक, चलें म्यूजिक वाली बात करते हैं, म्यूजिक वाली, अटेंडेंस एंड में हो, अटेंडेंस तो इसमें पता नहीं कि मतलब इसमें तो होती है, खैर इसमें तो ऑनलाइन मार्क हो रही है, लेकिन मैं वैसे यही करता था कि अटेंडेंस हासिल में लेता था जब मैं ऑनलाइन नहीं लेता था मैनुअली। अच्छा खैर, म्यूजिक इन एवरी क्लास फॉर 10 मिनट्स, ये भाई ये लॉ आ गया, वो ये कह रही है, प्रपोजल है बेसिकली, दिस इज अ बिल, दिस इज अ बिल व्हिच इज पास्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज सिटिंग इन बी कैटेगरी, राइट, बी कैटेगरी जो है उसमें एक स्टूडेंट में ये कहती है
कि म्यूजिक इन एवरी क्लास फॉर 10 मिनट्स, राइट? यही है ना शाहरुख साहब? ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि म्यूजिक इन एवरी क्लास फॉर 10 मिनट्स, ये पहले ये बिल बी में गया है तो बी के सारे मिलके स्टूडेंट इसको अप्रूव करेंगे। अच्छा मैं थोड़ा हल्के बोलता हूँ, लेट सपोज ये जो बिल है ये क्योंकि बी में पास हुआ है तो बी के सारे स्टूडेंट्स मिलकर ये पहले बी में पास करेंगे। बात क्लियर हो रही है? अब बी के एक स्टूडेंट ने ये उठाया कि हर क्लास के अंदर 10 मिनट तक म्यूजिक होना चाहिए है, तो बी के तमाम स्टूडेंट्स इस पे अपनी राय पेश करेंगे, आया वो इस पे अग्री होते हैं या डिसअग्री होते हैं। अब या तो वो अग्री होंगे या वो डिसअग्री होंगे, यही होगा ना? तो लेट सपोज मेजॉरिटी ऑफ देम इस पे अग्री हो गए तो ये बिल जो है ये बी से पास होने के बाद ये कहां चले जाएगा? ए पर। सही है, क्योंकि ये बिल कहां ओरिजिनेट हुआ है? बी में, तो ये कहां जा रहा है? ए पर। ये बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही है? ये ए पर जा रहा है, ए पर चला गया। ठीक है, जब ये बिल आपका ए पर चला गया, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, जब ये बिल आपका ए पर चला गया, अब ए जो है अपनी इस पे वोटिंग करेगी, या तो ये अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे। फॉर इजी, इसको आसान करने के लिए, लेट सपोज ए से बी ये मेजॉरिटी में पास हो गया, ए से बी ये मेजॉरिटी में पास हो गया, तो अब ये कहां जाएगा? अब ये मेरे पास जाएगा। जब ये मेरे पास जाएगा, मैं कौन हूं? प्रेसिडेंट, यहां पर बैठा हुआ। अब जब ये मेरे पास जाएगा तो मैं इस बिल को या तो अप्रूव करूंगा या मैं डिसअप्रूव करूंगा। अब मैंने अगर इस पे साइन कर दिया तो ये क्या बन गया? लॉ बन गया। क्या बन गया? लॉ। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जुडिशरी का, जजेस का कानून से कोई लेन देन नहीं होता मेरा भाई। कानून आपका कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। तब ये सवाल पैदा होता है, सर हमने तो सुना था कि जजेस भी कानून बनाते हैं, तो मेरा भाई वो प्रेसिडेंट होते हैं, वो प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो साइटेशंस होती हैं, वो क्या होती है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा जब मैं जुडिशरी पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप ये बात याद रखें कि आपकी पार्लियामेंट आपकी कानून बनाती है और पार्लियामेंट के अंदर 3 बॉडी होती है। सर आप डिसअप्रूव क्यों करें? हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं क्यों करूंगा? ठीक है, पार्लियामेंट में 3 बॉडीज होती हैं, एक होती है ए, एक होती है बी और एक होती है सी। ए कौन है? ए इज द नेशनल असेंबली। बी कौन है? बी इज द सेनेट। और सी कौन है? सी इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका कानून पास करने के लिए बिल कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईदर ऑफ द हाउस, या तो वो नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होगा, या फिर वो कहां से होगा? या फिर वो सेनेट से होगा। अगर नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हो रहा है तो नेशनल असेंबली से अप्रूव होने के बाद वो सेनेट के पास जाएगा। अगर सेनेट से हो रहा है तो सेनेट से अप्रूव होने के बाद वो नेशनल असेंबली के जाएगा। दोनों हाउसेस के अप्रूवल होना जरूरी है। कोई भी एक हाउस पंगा कर देता है तो फिर उस पंगे को हम सॉल्व किस तरह करेंगे ये थोड़ी देर में बनाऊंगा, अभी तो सिर्फ अप्रूवल के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर उस बिल को साइन करके किसके पास भेजेंगे? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट क्या कहेगा? प्रेसिडेंट ये चीज देखेगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट ये चीज देखेगा कि भाई क्योंकि दोनों हाउसेस ने अपना इस पे कंसेंट दे दिया है तो प्रेसिडेंट उस पे साइन कर देगा और वो कानून लॉ बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई? दिस इज द लॉ, दिस इज द लॉ। यस, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट जनाब। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो भाई जी, भाई अलवी भाई, जी अलवी भाई, आप सही कह रहे हैं, एक्सेलेंट। अच्छा अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं ना। अब लेट सपोज आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर अक्सर औकात जो है वो नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होती है, देखा होगा ना भाई आपने, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होते हैं ना, होते हैं। जब इलेक्शन होते हैं मेरा भाई, तो जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो फिर ना ए होता है ना बी होता है, सिर्फ कौन बैठा हुआ होता है? कौन बैठा हुआ होता है? सिर्फ
प्रेसिडेंट, कौन बैठा होता है? प्रेसिडेंट। जब इलेक्शन होते हैं तो फिर ना आपकी सेनेट होती है ना, अच्छा भाई इलेक्शन, जाहिर सी बात है जब इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर असेंबली होगी क्या? नहीं होगी ना भाई। भाई इलेक्शन किसके होते हैं? हर 5 साल बाद इलेक्शन किसके होते हैं? नेशनल असेंबली के होते हैं ना, ठीक है। या अक्सर अवकात ये भी होता, ये भी तो होता है, चंद ऐसी फोर्सेज आती है तो नेशनल असेंबली को खत्म करके रख देती है, ये भी तो होता है। आप लोग खबरें तो सुनते होंगे ना। सर लैग हो रही है आपकी आवाज़, अब आ रही है? यार आपका इंटरनेट में मसला है मेरी जान। कोई शेख साहब आपके इंटरनेट में कोई मसला है मियाँ जी? भाई क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो सब यस लिखें। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। माइक थोड़ा करीब कर लो, या मैं कल एक काम करूंगा, मैं दूसरा वाला माइक खरीद लूंगा ना, वो मैं खरीद लूंगा कोई अच्छा वाला माइक ना, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। अच्छा अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। लेट सपोज अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, इलेक्शन चल रहे हैं या डिसॉल्व हो गई है। अब डिसॉल्व होने की कहानी तो बहुत बड़ी है मियाँ, 58(2)(b) वगैरह ये वो मुझे सब कुछ पढ़ाना पड़ जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहे हैं, आपको उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी जरा मिसाल दे रहा हूँ, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। लेट सपोज अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट भी ये इख्तियार रखता है कि वो कानून पास करते हैं, समझ रहे? प्रेसिडेंट के पास भी ड्यूरिंग इमरजेंसी ये इख्तियार है कि वो कानून पास कर सकता है। अगर इट इज इम्पॉसिबल टू कंडक्ट सेशन ऑफ नेशनल असेंबली, भाई कोरोना फैलाता या नहीं फैलाता? फैलाता ना। अब कोरोना जब फैल गया तो नेशनल असेंबली का सेशन रखेगा अपना? क्या नेशनल असेंबली के मेंबर आके नेशनल असेंबली के अंदर बैठ के आगे कानून पास कर सकते हैं? जवाब दीजिए। अब जवाब लिख के जवाब दो ना। रूम पे कर सकते भाई, पाकिस्तान ऐसा नहीं, जूम पे यार भाई, जूम पे हम क्लासेस ले सकते हैं यार। अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं कर सकते ना सेशन यार, आपको उस वक्त तक इतना वो नहीं था ना। तो अब हुआ ये कि लेकिन अब आप देखें, नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, देखें मेरा मतलब ये है कि चले जूम वूम छोड़ दो, मान ली कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है ना टू इनवाइट ऑल मेंबर टू सिट टुगेदर एंड टू पास एनी लॉ, ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या होगा? ऐसी सूरत हाल के अंदर प्रेसिडेंट के पास भी इख्तियार हासिल है कि वो कोई कानून पास कर सकता है। और आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना गवर्नर, इन दोनों में से किसी एक ने, मुझे आई नीड टू कंफर्म दैट, गवर्नर ने किया था शायद, वो COVID-19 का जो उन्होंने एक बिल पास किया था, वो अपना बिल कर COVID-19 का जो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। अच्छा खैर इसको मेक इट ईजी, अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, इलेक्शन चल रहे हैं, लेट्स सपोज इलेक्शन चल रहे हैं नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो खुद कानून पास कर सकता है। जो कानून प्रेसिडेंट खुद पास करे वो ऑर्डिनेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डिनेंस। तो आप लोगों ने, क्योंकि आप मेच्योर स्टूडेंट हो, ज्यादातर फाइनल सेमेस्टर के हो गए या दरमियान के हो गए, आप लोगों ने कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के बारे में सुना ही होगा। सुनाए जी, सुनाए। अच्छा अब जरा गौर से मेरी बात सुनना, नहीं सुना और छोड़ दो, फिर उस ऑर्डिनेंस के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी छोड़ दो। क्योंकि अगर मैं अगर बिलाज मैं तुम्हें और भी चीज़ें बताऊं तो फिर वो जरा मसला ना करें, कंफ्यूज ना करो। हाँ तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड ऑर्डिनेंस, ये अच्छा सवाल किया है। लॉ पूरा का पूरा प्रोसीजर के जरिए से जाएगा, पार्लियामेंट या नेशनल पार्लियामेंट अपना नॉट सेनेट या फिर नेशनल असेंबली से बिल पास होगा। वो बिल पास होने के बाद जहां से भी ओरिजिनेट होता है वो दूसरे हाउस में जाएगा। अगर नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होता है नेशनल असेंबली में पास होगा, सेनेट में जाएगा। सेनेट से ओरिजिनेट होता है सेनेट से पास होगा, नेशनल असेंबली में जाएगा। और दोनों से पास होने के बाद, एक मिनट वेट कीजिएगा, बात आ रही है? भाईजान मैं पूरा सेनेट भी बताऊंगा, पूरा नेशनल असेंबली भी बताऊंगा, पूरे पूरे आपको डिटेल में बताऊंगा ये होती क्या है, एक मिनट वेट करूंगी। अभी मैं सिर्फ तुम लोग को एक लूज बता रहा हूँ कि कानून बनता कैसे है, नेशनल असेंबली क्या होती है, सेनेट क्या होता है, हर चीज़ में बताऊंगा अभी आपको। अच्छा अब यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं?
आवाज आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है ना मेरी? अच्छा, जी भाई। अच्छा, अब मैंने क्या बताया कि ऑर्डिनेंस और लॉ में क्या फर्क है। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास करता है और लॉ नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट तीनों मिलकर पास करते हैं। अगर नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों मौजूद ना हो और कानून पास हो जो प्रेसिडेंट करे, वो ऑर्डिनेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हल्के हल्के करके आगे। ठीक है, अब सबसे पहली और बुनियादी चीज जो है कि भाई ये नेशनल असेंबली और सेनेट होते क्या है। ये दो घर है, ये तो घर है। एक कहलाता है अपर हाउस और एक कहलाता है लोअर हाउस। इसकी भी वजह है कि ये अपर हाउस और लोअर हाउस क्यों कहलाता है। मेरी बात समझना, इसकी भी वजह है ये अपर हाउस और लोअर हाउस क्यों कहलाता है, ये मैं बात बताता हूँ। अब मैं सबसे पहले और बुनियादी चीज पे जो मैं बात करूंगा, वो मैं बात करूंगा आपकी नेशनल। यार तुम लोग बोर तो नहीं हो रही है, बताओ मुझे। जी भाई, बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, चलिए बिस्मिल्लाह। एक वो सॉरी यार, मैं जरा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरा अजीब से, मैं सोच रहा था मैं छत पे बैठ के पढ़ूँ। आई वॉज थिंकिंग मैं छत पे जाके बैठ जाऊँ, सकून से बैठ के पढ़ाऊँ, मैं छत पे पूरी हवा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं भाई। क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई मियाँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनिए, क्या अब व्हाट इज द नेशनल असेंबली, एक बात मुझे बताएं। लेट सपोज पाकिस्तान है, आसान कर दे, कराची। कराची की आबादी कितनी? 4 करोड़, 3 करोड़ तो होगी। ये 3 से 4 करोड़ के जो लोग हैं, इनको कोई ना कोई तो मुश्किलात होंगी। यस और नो? इनको जो मुश्किलात होती हैं, अगर ये 3 से 4 करोड़ लोग रोडों पे आके शोर मचाना शुरू कर दें, मुझे ये मुश्किल है, मुझे ये मुश्किल है, मेरी ये आसानी, ये मुश्किल दूर करो, मुझे ये मुश्किल दूर करो, तो फिर तो मसले मसाइल हो गए, है ना? फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना किस तरीके से हम मसले को हल करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक पर्टिकुलर एरिया की मिसाल देता हूँ। लेट सपोज आपका बलोच कॉलोनी, ये एरिया मेरे पास भी है इस टाइम पे, आपका लेट सपोज आपका बलोच कॉलोनी डिफेंस वगैरह का, ये डिफेंस में फर्ज करो इस टाइम पे आबादी फर्ज करो कोई अराउंड 30 लाख के लोग रहते हैं। अब ये 30 लाख के लोगों की कोई ना कोई, किसी ना किसी की कोई ना कोई परेशानी होगी, यस और? अब अगर इन सब लोग अपनी अपनी सेपरेट परेशानियां लेके आ जाएं, तो फिर हमारा मुल्क नहीं चल सकता, यस? तो फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपना कोई नुमाइंदा सेलेक्ट करेंगे। वो नुमाइंदा जो है इनकी आवाज लेके जाएगा पाकिस्तान के लेवल पर। वो जो नुमाइंदा होता है वो कहलाता है मेंबर, और उसके लिए बकायदा इलेक्शन होते हैं। अब लेट सपोज कोई पिक एंड चूज थोड़ी चल रहा है, 10 लोग खड़े होते हैं, वो कहते हैं भाई हम नुमाइंदे बनेंगे, हम नुमाइंदे बनेंगे, हम नुमाइंदे बनेंगे तुम्हारे। ठीक है, फिर वो 30 लाख लोग जो है बैठ के इनमें से सेलेक्ट करते हैं, जिसको मेजोरिटी ऑफ वोट मिलता है वो बंदा बन जाता है आपका MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। जो वो बंदा जब वो मेंबर बनता है, तो वहां की आवाम को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मेरी बात क्लियर हुई? जैसे लेट सपोज असलम जो है वो पूरे के पूरे इस यूनिट का, अगर वो है
ठीक है, तो असलम इज द एमएनए ऑफ दिस एरिया, तो ही वुड रिप्रेजेंट पीपल ऑफ दिस एरिया एट पाकिस्तान लेवल इन नेशनल असेंबली बिकॉज ही इज सिलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस एरिया एज टू बी द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली टू रिप्रेजेंट दियर राइट्स इन द नेशनल असेंबली। इसी तरीके से डिफेंस का एक बंदा है, वो बंदा खड़ा हो गया। इसी तरीके से गुलशन का वो फिक्सेट, आपने देखा होगा मुझे वाला अक्सरों का फिक्सेट आता रहता है, वो फिक्सेट गुलशन का वो एमएनए बन गया। अब वो क्या करता है, वो तमाम के तमाम लोगों की जो परेशानियां होती हैं वो उनको डील करने के लिए मेंबर सेलेक्ट होते हैं, और ये मेंबरान जो हैं ये पाकिस्तान लेवल पर आवाम की आवाज बनते हैं। ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही, ये कहलाते हैं एमएनए। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से, लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से कहा कि भाई इतनी इतनी सीटें हर एक को दे दी जाए। तो बलूचिस्तान की आपके स्क्रीन पे आ रही होगी 14 सीटें, पंजाब की 148 सीटें, अच्छा पंजाब की 148 इस वजह से है क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एनडब्ल्यूएफ की 35 सीटें, सिंध की 61 सीटें, फाटा की 12 और इस्लामाबाद की 12। अगर आप ये देखिए जरा गौर में, गौर से देखिएगा, ये वुमेन सीटों को मिला के फाइनल सीटों पे आए, नजर आ रहा है आपको? अगर आप देखें पंजाब की टोटल सीटें कितनी है, भाईजान क्यों, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अब समझ में आया, अब समझ में आया, अब जरा गौर से मेरी बात सुनना। सिंध की टोटल सीटें कितनी है, इसका मतलब है अगर मैं सिंध, एनडब्ल्यूएफपी, बलूचिस्तान और फाटा इन चारों की भी सीटें मिक्स कर लूं तो पंजाब का मुकाबला कर पा रही है। नहीं ना, इसका मतलब है जो पंजाब से इलेक्शन जीतेगा उसकी मार्केट में डोमिनेंसी होगी या नहीं होगी। तो इसी वजह से जो पंजाब का इलेक्शन जीतता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? और ये जो कंसेंसस का जो हमेशा जो पंगा रहता है ना, ये मर्दमशुमारी सही नहीं हुई, मर्दमशुमारी सही नहीं हुई, वो सिर्फ इस वजह से कि ये नंबर ऑफ सीट बढ़ जाए, क्योंकि ये नंबर ऑफ सीट बढ़ेंगी तो नेशनल असेंबली में आपके नुमाइंदे बढ़ेंगे, नेशनल असेंबली में आपके नुमाइंदे बढ़ेंगे, आप अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आ सकते हैं। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? और अगर आपको कोई कानून पास करवाना है, अगर आपके पास पंजाब की मेजोरिटी और वोट है, आप यू कानून पास करवा लोगे सेकंडों में, ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कोई भी बिल अगर अप्रूव करवाना है तो पंजाब तो अपनी मर्जी के सारे बिल अप्रूव करवा ले, यस और नो, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? लेकिन ये बात जस्टिफाइड भी है क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो पंजाब की भाई सीटें भी सबसे ज्यादा होंगी, यस और नो, है ना भाई, जस्टिफाइड है ना? लेकिन पंजाब अगर चाहे तो कुछ भी काम करवा ले, यस और नो, ये भी एक जगह है, ये भी पॉइंट है या नहीं है? तो इसी वजह से ये नेशनल असेंबली के मुकाबले पे दूसरा हाउस भी बनाया गया है, वो कहलाता है सेनेट, जहां पर हर प्रोविंस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। एमएनए कौन होते हैं? ये 183 बेसिकली दीज आर एमएनएस जो के इलेक्शन के जरिए सेलेक्ट होके आवाम की आवाज बनते हैं और नेशनल असेंबली में बिल पास करवाते हैं। ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? जैसे पानी का मसला है, बिजली का मसला है, और इसके अलावा और दसियों मसले हैं, कोविड में मसले मसाइल आ गए। अभी आपने सुना होगा कोविड में जो लोग किराए पे रहते हैं उनको ये वाली बात पता होगी, ठीक है, कि अगर या जिन्होंने मकान किराए पे दिए, अगर 50,000 से कम का आपका रेंट है, सही है, अगर 50,000 से कम का आपका रेंट है, ये बात समझ में आ रही है, तो फिर आपका जो रेंट है वो डेफर हो जाएगा, आपको अभी नहीं देना जब तक ये ऑर्डिनेंस चल रहा है, वो डेफर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लेट सपोज आपको ये वाली बात भी पता होगी कि अगर आपका लेट सपोज आपका रेंट अगर 1,00,000 तक है तो आप उसका 50% देंगे, कुछ ऐसा है, ठीक है, वो आपने देखा होगा यकीनन, ऑर्डिनेंस देखा या नहीं देखा? तेरा कोई बात नहीं, नहीं देखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट का बात छोड़िए, बस पता होना चाहिए। अच्छा खैर, अभी आपने क्या देखा कि नेशनल असेंबली में आपके लोगों में से नुमाइंदे सेलेक्ट किए जाते हैं जो लोगों के राइट को रिप्रेजेंट करेंगे एट नेशनल असेंबली लेवल। बेटा इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी
कि उसमें बिल्कुल पास किया है, कोविड के एक्ट में इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र है कि इतने यूनिट पे मांगने, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि ये जो के इलेक्ट्रिक है ना, ये फेडरल के ज़ुमरे में आती है, ये प्रोविंशियल ज़ुमरे में नहीं आती है। ये आपने सही है, लेकिन ये फेडरल ज़ुमरे में आती है, प्रोविंशियल ज़ुमरे में नहीं आती। अच्छा, मैं कहाँ था? हाँ भैया, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं? अच्छा ठीक है, तो नेचुरल असेंबली में, यस 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 यस, बिल्कुल सही है, 183 एमएलएस विल रिप्रेजेंट, यस एग्जैक्टली, ये पूरे पंजाब की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करोगे, ये 183 पंजाब की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोग भी ज्यादा है। इसी तरीके लेट्स सपोज कराची में, कराची टोटल आप सिंध ले लें, सिंध की जो टोटल सीटें हैं वो तकरीबन कितनी है, 75 है ना भाई। अब ये 75 टोटल सीटें हैं, ये सिंध की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब सिंध की पॉपुलेशन पंजाब से कम है तो सिंध की सीटें भी कम है, ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? बिल्कुल जस्टिफाइड बात है ना भाई, बिल्कुल जस्टिफाइड बात है ना यार। और लेट सपोज मैं आपके घर की मिसाल ले लूँ यार, आप अपने घर में ही देख लो। लेट सपोज मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, एक क्लास है, क्लास ले लो, घर नहीं क्लास ले लो, एक क्लास ले लो, अगर एक क्लास के अंदर 500 बच्चा बैठा हुआ है तो उसके अंदर मॉनिटर भी कोई 10 होना चाहिए ना, और एक क्लास में अगर 15 बच्चा बैठा है उसके लिए मॉनिटर 1 होना चाहिए, यस और नो? यस और नो? तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा मॉनिटर हैं। इसी तरीके से जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा आपके एमएनएस हैं, तो ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड बात है। लेकिन 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 ये भी तो है कि हो सकता है कि पंजाब के लोग सारे के सारे एक साथ मिलकर और सुबह की बैंड बजा दें, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है सारे सूबे मिलकर पंजाब की बैंड बजा दें, ये भी हो सकता है ना भाई, है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता? यस सर, आप पंजाब सारे बिल पास करवा सकता है, बाकी सब हाँ। अब यही जो सवाल है ना आपका, क्या पंजाब सारे बिल पास करवा सकता है? इसी वजह से मैंने पहली बात क्या बताई थी, अगर बिल पास होगा तो नेशनल असेंबली से पहले पास होगा, फिर कहा जाएगा सेनेट में, सेनेट वाले पास नहीं करेंगे, सेनेट वाले पंगा कर देंगे, हाउस बी भी तो था सेनेट। अब सेनेट में जो सिलेक्शन है ना, वो हर प्रोविंस की सीट बराबर होती हैं, तो लॉ पास करने के लिए ना सिर्फ नेशनल असेंबली की रजामंदी चाहिए बल्कि सेनेट की भी चाहिए। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आगे बढ़े, ये पढ़ो। अब एलोकेशन ऑफ सीट किस तरीके से होती है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये वाली बात मैंने आपको पहले बता दी, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, आपने देखा होगा वो आते हैं, लोग आते हैं, दो लड़कियां होती हैं, एक लड़का होता है, साथ में पुलिस वाला होता है, वो घर में आके पूछता है, पोलियो के खतरे वाली बात नहीं कर रहा, पोलियो के खतरे नहीं, वो आके आपसे पूछता है घर में कितने लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सारी की सारी बातें आपसे पूछ ले जाकर, ठीक है। आगे बढ़ो मियाँ, अच्छा बेटा इलेक्शन, ये आप देख लेना, अगर आप देखना चाहो, वरना जरूरी नहीं है, सीट फॉर नॉन मुस्लिम ये लिखी हुई, ये सारी सीट फॉर नॉन मुस्लिम है, ठीक है। अच्छा आगे आए, अब ये है अंटिल, अच्छा अब इसका ड्यूरेशन कितना होता है, नेशनल असेंबली का ड्यूरेशन कितना होता है? जो नेशनल असेंबली का ड्यूरेशन है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको बताना चाहिए। हर साल बाद फेसबुक के ऊपर हर लड़का लड़की यूं करके अपना अंगूठा लगाए बैठे होते हैं, और इस पर नीले रंग का निशान होता है, और यहाँ पर निशान होता है, अंगूठे की तस्वीरें लगाए होते हैं, अरे भाई क्या दिखाना चाह रहे हो, ये होता है या नहीं होता है, है ना? हर जगह होती है, अभी सेनेट पे मैं आया नहीं हूँ, अभी नेशनल असेंबली पर चल रहा हूँ, नेशनल असेंबली आप बताओ क्या, नेशनल असेंबली, ठीक है। अंगूठा, अंगूठा अंगूठे पे निशान लगे वो क्या होता है, वो कितने साल बाद आप अंगूठे की तस्वीर लगाते हैं, पहले छोटा होता है फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है अंगूठा, है ना, हर 5 साल बाद, यस 5 साल पहले आपकी उम्र छोटी होती है, फिर 5 साल बाद थोड़े बड़े हो जाते हैं आप। अब अभी आपने बचपन में अंगूठा लगाया, अभी अभी तो आपकी बोले अरे अभी तो आप लोग छोटे हो गए यार, 18 आप लोगों ने पहली बार अंगूठा लगाया हुआ है, लगाया था अंगूठा चले कोई बात नहीं, आपकी बार लगाइएगा, ठीक है। ये जो ड्यूरेशन होती है ना बेटा, ये 5 साल का होता है नेशनल, हर 5 साल बाद जो है ना ये नेशनल, पूरी दुनिया में ये हर 5 साल बाद नेशनल असेंबली होती है, ठीक है। आगे हाँ, अच्छा कंटिन्यू फॉर अ पीरियड 5 ईयर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब जब नेशनल असेंबली बन जाती है, अब जरा गौर से मेरी बात सुनना, नेशनल असेंबली के कितने मेंबर हैं टोटल, तकरीबन कोई 332 मेंबर होते हैं, 342 के करीब बेसिकली होती है नॉन मुस्लिम को मिला के। अब ये 342 के जो मेंबर हैं,
ठीक है, अच्छा एक क्लास है राइट, एक क्लास है, एक क्लास के अंदर अगर 342 स्टूडेंट होंगे तो उन स्टूडेंट को कंट्रोल करने के लिए एक ना कोई एक स्पीकर होना चाहिए और कोई ना कोई डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए, यस और नो? ये जो सवाल है ना सर, नेशनल असेंबली सेनेट कंटेन सेम और डिफरेंट पीपल, इसका जवाब मैं थोड़ी सी देर में दूंगा आपको। जब मैं सेनेट पे आऊंगा ना बेटा, तब मैं आपके ऑफिस का जवाब दूंगा, ठीक है? मैं आपको इसका जवाब थोड़ी सी देर में दूंगा अभी, सही है? अच्छा, स्पीकर होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये नेशनल असेंबली का स्पीकर कौन होता है? ये आके बैठ जाता है, फ्रंट पे आके बैठ जाता है और ये आके बैठ के जो है ना, ये पूरी नेशनल असेंबली का जो है ना जो भी हियरिंग होगी वो इसके सामने होती है। कोई भी अगर बिल पास होगा वो इसके सामने पोटअप होगा, ये बिल को देखेगा, ये बिल को देखने के बाद एक मिनट वेट करना पड़ेगा, एक मिनट वेट करोगे जरा। एक बार उठिएगा, आगे बढ़े भाई, थैंक यू सो मच, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा बेस्ट लगवा दें। अच्छा आप जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। अच्छा ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर क्या मर्जी से सिलेक्ट हो जाएंगे? वो भाई मेरी मर्जी है, मैं बनूंगा स्पीकर या तो मैं बनूंगा डेप्यूटी, या मर्जी से होंगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना यार, there has to be some forum to select them, yes or no? yeah, through voting ke zariye select ho. acha ab batao speaker kiska banega? wo bhai jo majority wo bhi party ka usi ka the speaker banega, yes or no? aur deputy speaker bhi uska banega. acha ab yahan par ek cheez bahut aham aa gayi, ek badi aham cheez jo speaker hona chahiye hai wo अनबायस्ड होना चाहिए, समझ रहे? ही हैज टू बी अनबायस्ड। अब एक बात बड़ी बड़ी आयरोनिक बात है कि ही बिलोंग्स फ्रॉम द पार्टी हु इज इन द मेजोरिटी इन द नेशनल असेंबली, बट स्टिल ही हैज टू बी अनबायस्ड। तो ये टेक्निकली बहुत मुश्किल काम होता है। आपने देखा होगा एक एक आगे लीडर आके बहुत शोर मचाता है, आगे असेंबली में जोर जोर से चीखता है, वो कहता है भाई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, वो एक अजीब सा हॉल होगा। ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही होती? तो पहली मीटिंग के ऊपर बेटा आपके ये दोनों सिलेक्ट किए जाएंगे, या तो क्लियर है? अच्छा आप आगे सुनिएगा, आगे बढ़े। नहीं नॉर्थ पंजाब बेसिकली पीटीआई पूरे पाकिस्तान से जीती है ना, उसके सबसे ज्यादा सीटें हैं ना मियां, असिस्टेंट, ये बेसिकली असिस्टेंट। अगर वो नहीं होता ना, अगर बीमार हो जाता है या कोई और मसले हो जाते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर जो है ना वो उसकी जगह संभालता है, वो तमाम के तमाम मैटर को डील करता है। मेरी बात समझ रहे? तो अगर अगर वो नहीं होगा तो फिर उस सूरत हाल के अंदर वो जो दूसरा जो बंदा है डेप्यूटी स्पीकर जो है वो तमाम के तमाम चीज़ों को लेगा, ठीक है, और उस चीज़ों को वो कंसिडर करेगा।
यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई एम टायर्ड यार, मैं थक गया। आप लोग थके या अभी भी? थक गया हूँ काफी। बस ये एक थोड़ा सा बढ़ा के जो है ना, फिर सेनेट में अगली क्लास में देखूंगा, बस थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ। अच्छा सुनिएगा, कम अज़ कम जरा और से सुनिएगा। अब ये जो इकरा यूनिवर्सिटी की टोटल कितनी क्लासेस होना चाहिए? कितनी होना चाहिए इकरा यूनिवर्सिटी की टोटल क्लासेस? मिनिमम 13 ना, 13 होना चाहिए ना मिनिमम, है या नहीं है? इसका मतलब है कोई लिमिट लगा दी है ना, ये सुन लो। इसी तरीके से आपके नेशनल असेंबली के भी सेशन होते हैं, और कम अज कम साल में 3 बार नेशनल असेंबली का सेशन कंडक्ट किया जाएगा, और इन एक सेशन से दूसरे सेशन के दरमियान का गैप 135 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? आसान था, उम्मीद है भाई समझ में आ गया होगा ये सब। हाँ अच्छा, मैं कह रहा हूं कि कम अज कम साल में नेशनल असेंबली के मेंबरान 3 बार मिलेंगे। कम अज कम साल में नेशनल असेंबली के मेंबरान 3 बार मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कितनी बार मिलेंगे? 3 बार मिलेंगे, और उसके दरमियान का गैप फर्स्ट मीटिंग से दूसरे, साल में कितने दिन होते हैं यार? 336 दिन होते हैं ना, तो 135 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 70-80 दिन के अंतर अंतर उनका एक सेशन होगा, वो ज़रूर मिलेंगे। 3 से बहुत मल्टीपल बार मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 बार मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आसान था भाई, मेरे सर में नर्श हो गया यार। कंप्यूटर पे मेरी आदत नहीं है, पढ़ा नहीं गया मैं जमीन में, हेड स्पिनिंग। आप लोग पढ़ाते हैं क्या? पढ़ते हैं कंप्यूटर पे बैठ के इतनी देर? क्या मजा, क्या आता है? मजा आता है? चलिए कोई बात नहीं। अब असल में कोविड कोविड फैल गया ना, अब हम कर भी तो करेंगे तो हम क्या करें? कोविड फैल गया, अब तो कोविड फैल गया तो फैल गया ठीक है। अब तो ये मसला है। अच्छा मेरी बात रहा, और से सुन लें, पेपर फॉर्मेटिंग वगैरह मैं आपको थोड़ा बहुत, पहले मैंने अपना बताया था ठीक है। बेसिकली मैं आई एम मेंबर ऑफ लिंकन इन ऑल्सो, जहाँ पर कायद मोहम्मद अली जी ना जहाँ के मेम्बर हैं, फ़ारूक नसीम जहाँ का मेम्बर है, तमाम बैरिस्टर्स वहाँ के मेम्बर होते हैं ठीक है। वहाँ के तमाम बैरिस्टर मेम्बर्स होते हैं, और मैं अभी भी मैं इस फील्ड से मेरा गहरा ताल्लुक है। और आई डोंट नो वेदर आप लोगों को मेरे बारे में पता है या नहीं पता है, या इन्होंने बताया भी है नहीं बताया मैनेजमेंट वालों ने मेरे बारे में आपको कुछ। और ये है कि पेपर जो है मैं कोई पेपर मैं कोई इतना मुश्किल आपसे आपको नहीं दूंगा ठीक है। आप उससे बेफिक्र रहे, पेपर आपका कोविड की वजह से पहला बन, तो पेपर में इतना कोई मुश्किल नहीं लूँगा, और मैं चीज़ें आपको ऐसी इंशाल्लाह आराम से करके समझा दूंगा कि आपको किताब खोले वगैरह भी आप पेपर पास कर लोगे ठीक है। मेरी कोशिश ये रहेगी। ये तुम्हें कैसे पता कि मैं आसान पेपर लेता हूँ? जब एरिया तुम्हें कैसे पता कि मैं आसान पेपर लेता हूँ? ऐसा तो नहीं, ये टीम पे लेक्चर हो सकते हैं? अच्छा, ये कहते हैं कि टीम पे लेक्चर हो सकते हैं, टीम पे?
बेसिकली मुझे देखना पड़ेगा कि टीम में आखिर इसमें होता क्या है, टीम में किस तरीके से आप लेट चल दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ तो भाई ये है कि अभी ये है कि इंशाल्लाह ताला अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया आज, कानून क्या होता है सबसे पहले मैंने ये बताया, ठीक है, मैंने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि कानून बनता कैसे है, ठीक है, फिर आपको मैंने ये वाली बात बताई है कि नेशनल असेंबली क्या होती है, फिर मैंने आपको तीन पिलर्स के बारे में बताया कि आज तीन पिलर्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि नेशनल असेंबली मेंबर का सिलेक्शन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई, ये सुनो ज़्यादा आसान लगा सबको, और कोई सवाल करना है या आगे पढ़ें या इसको बस करें। चले चले आज फर्स्ट क्लास है, नमाज का टाइम होने वाला है क्या? मैं अब ये है कि इंशाल्लाह ये फर्स्ट क्लास है, अब ये फर्स्ट क्लास को जो है ना मैं अभी जो है इसको बस मैं जो है अब इंशाल्लाह ताला अभी जो है मैं आपको इसका थोड़ा सा और अपडेट दे दूंगा, ठीक है। अच्छा सेनेट का ये है कि इसको आप जरा बस एक नज़र मार लें कि सेनेट के अंदर जो है ना तकरीबन 100 मेंबरान होते हैं, ठीक है, और हाँ जी अरे एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट वेट कीजिएगा यार, देखो जूम पे सेशन में भी, एक मिनट रुकूंगा आपको, एक एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए, एक प्लीज एक मिनट रुकिए, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बेसिकली दे आर द पीपल हु आर सेलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, ठीक है, ऑन द फर्स्ट सेशन। जैसे इमरान खान को एक पार्टी सेलेक्ट हुई थी और उस पर जो उन्होंने फिर स्पीकर सेलेक्ट किया था और डेप्यूटी स्पीकर सेलेक्ट किया था, इनका फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली पूरी की पूरी नेशनल असेंबली को एक तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं एक टीचर की तरह, ठीक है। कोई भी जैसे जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी, कोई भी अगर बिल होता है, अगर वो बिल नेशनल असम्बली से पास होना है तो नेशनल असम्बली पे 342 मेंबर बैठे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है, वो राय को नज़र में लेते हुए वो स्पीकर के सामने पुटअप होता है, स्पीकर उस पर साइन करता है, तो फिर हम कहते हैं कि वो नेशनल असम्बली से अप्रूव हो गया। तो इसका मतलब है स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली का सिग्नेचर ऑन द बिल इज द अप्रूवल ऑफ द बिल, ठीक है, और दैट अप्रूवल ओनली कम्स विद द मेजोरिटी ऑफ द अप्रूवल ऑफ वोट्स इन द नेशनल असम्बली। ये कितने होना चाहिए इसके बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है। और डेप्यूटी स्पीकर क्या, डेप्यूटी स्पीकर होता है कि अगर स्पीकर नहीं है, स्पीकर बीमार है, स्पीकर आ नहीं सकता, कोई मसले मसाइल हो गए, तो फिर उसके लिए डेप्यूटी स्पीकर मार्केट में आता है और वो आके सारी की सारी बातें करता है। यहाँ तक क्लियर हो, सारे के सारे मतलब बोर्ड को लेकर चलता है, सही है। अच्छा अब ये है कि इंशाल्लाह ताला अभी इसको हम एंड करते हैं, ये एंड करूं या आगे बढ़ूं, बस बता दो मुझे, फिर मैं एंड कर दूंगा, मैं बचा रहा हूँ एंड करके 9 बजे बस। चलो ठीक है फिर इंशाल्लाह, अब हमारी अगली क्लास कब, कितने बजे, 9 बजे चलो ठीक है, कोशिश करेंगे कि वेडनेसडे को भी जो है इंशाल्लाह इसको कवर करवा के नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया आपने, ठीक है, चलो ये अच्छी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, अगर आप लोगों को कोई भी मुश्किल हो रही है आप लोग जब चाहें मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, चलें अपना ख्याल रखें, ठीक है, ईमेल मैंने बता दिया बेटा, uzair115@gmail.com, uzair115@gmail.com, लेकिन मैं अगर फोन नंबर में मसला ये होता है कि आप लोग डिस्टर्ब बहुत करेंगे, ये मसला होता है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह, टेक केयर, टेक केयर।